वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन म्यूजिशियंस वर्सेस अमेरिकन म्यूजिशियंस कंपैरिजन एंड बेस्ट 2021। तो यार 2021 का बिल्कुल कंपैरिजन होने लगा है इंडियन सिंगर्स का, मतलब जो म्यूजिशियंस हैं हर तरह के सिंगर, और अमेरिका के काफी टक्कर का मुकाबला है। तो जल्दी से देखते हैं, दोनों बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। हाँ, दोनों बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडिया स्टॉप फैक्ट का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इसमें कोई शक नहीं, आपने म्यूजिक कभी न कभी तो सुना ही होगा। हर किसी के म्यूजिक का टेस्ट अलग होता है। किसी को रॉक म्यूजिक तो किसी को स्लो और रोमांटिक सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तुरंत अच्छा हो जाता है और आगे का कोई भी काम करने के लिए आपका दिमाग फ्रेश फील करने लगता है। म्यूजिक बनाने में जितना आप सोच नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा मेहनत लगती है। कोई भी गाना बनाने के लिए केवल सिंगर्स और लिरिक्स की ही नहीं बल्कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी काम आते हैं। और तो और, अच्छा सॉन्ग बनाने के लिए साथ में काम आता है अच्छे म्यूजिशियंस और साउंड रिकॉर्डिस्ट। इन सभी चीजों से गुजरने के बाद आपको सॉन्ग्स पसंद आते हैं। आज हम इंडियन म्यूजिशियंस को अमेरिकन म्यूजिशियंस से कंपेयर करेंगे, किसके पास कितने अवार्ड्स हैं और किसने कितने एल्बम्स निकाले हैं। आज इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को कंपेयर करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया स्टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंडिया की वास्टनेस और डाइवर्सिटी की बदौलत इंडिया में कई अलग अलग तरह के म्यूजिक प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल, हर तरह का म्यूजिक, फोक म्यूजिक, रॉक म्यूजिक। लेकिन आखिर इंडियन म्यूजिक की शुरुआत कैसे हुई, मैं आपको बता दूं कि 16th सेंचुरी में तानसेन ने म्यूजिक की पढ़ाई की। तानसेन का नाम किए, उन्होंने पूरे अकबर के टाइम पे था ये। के राजा रामचंद की सभा में म्यूजिक को बढ़ावा दिया। उसके बाद उन्होंने अकबर के कोर्ट में भी अपने म्यूजिक का प्रदर्शन किया। कई म्यूजिशियंस तानसेन को इंडियन म्यूजिक का फाउंडर मानते हैं। वहीं अमेरिका में म्यूजिक की शुरुआत नेटिव अमेरिकन द्वारा की गई। ये पहले लोग थे जो नॉर्थ अमेरिका में रहने आए थे। इन नेटिव अमेरिकन्स की म्यूजिक काफी वैरायटी में थे और ज्यादातर रिलीजियस पर्पसेस के लिए ही म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता था। 19th सेंचुरी में सॉन्ग्स की खोज की गई और अफ्रीकन अमेरिकन्स ने अमेरिका के म्यूजिक को बहुत ही बड़ी तरह से इन्फ्लुएंस किया। ब्लूज, गॉस्पेल, जैज और कंट्री म्यूजिक, ये कुछ जॉनर है जो 20th सेंचुरी अमेरिका में बहुत फेमस हुआ था। उस वक्त में ये जॉनर अमेरिकन पॉपुलर म्यूजिक बन गया। इन्हीं स्टाइल्स ने फिर आगे जाकर इवॉल्व किया और रॉक एंड रोल और हिप हॉप म्यूजिक का बर्थ हुआ। राजकुमारी दुबे का जन्म 1924 में हुआ था। उन्हें राजकुमारी नाम से ज्यादा जाना जाता है। उन्हें इंडिया का सबसे पहला पॉपुलर सिंगर कहा जाता है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में 1930s और 1940s में काम किया था। वह एक वोकलिस्ट थी। इंडियन सिनेमा में सबसे पहला हिंदी सॉन्ग अलमुरा रिलीज हुई थी। ये सॉन्ग 14th मार्च 1931 में रिलीज हुई थी, जिसका रनिंग टाइम 124 मिनट्स का था। अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो सबसे पहला गाना जिस सिंगर का रिकॉर्ड किया गया था वह थी गौहर जान। उन्होंने रागा जोगिया सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। अभी के समय में म्यूजिक का कल्चर काफी इवॉल्व हो गया है। 10 से भी ज्यादा जॉनर कई अलग अलग गाने रिलीज किए जाते हैं और हर इंसान की अपनी अलग पसंद होती है। इसीलिए कुछ गाने अच्छे लगते हैं तो कुछ खराब। फिर भी हम कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स की बात करेंगे जिन्हें हिंदुस्तान की जनता ने बहुत पसंद किया है। लॉन्ग लाची का टाइटल सॉन्ग एक ऐसा ही सॉन्ग है। 738 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। हिसाब से अमेरिका का सबसे पहला सॉन्ग का नाम था माई डेज हैव बीन सो वंडरस फ्री। इस सॉन्ग के सिंगर फ्रांसिस हॉपकिंसन थे। उनका जन्म 1737 में हुआ था। और कहा गया है सबसे पहला अमेरिकन सॉन्ग। बिल्कुल इंडिया की तरह अमेरिका में भी कई अलग अलग तरह के म्यूजिक्स हैं जो लोगों को पसंद आती है। इसीलिए सबसे बेस्ट सॉन्ग बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं वन ऑफ द मोस्ट व्यूड यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब पर एड शीरन का गाना शेप ऑफ यू का लोगों ने बहुत से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। नंबर 3, टॉप म्यूजिशियंस एंड बैंड्स। करंट में इंडिया में कुछ टॉप म्यूजिशियंस हैं एआर रहमान, अलका याग्निक और उदित नारायण। इनके अलावा भी बहुत से सिंगर्स हैं जैसे कि अरिजीत सिंह और लता मंगेशकर, जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। जब दो से ज्यादा म्यूजिशियंस मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और सॉन्ग रिलीज करते हैं तब उन्हें बैंड कहा जाता है। इंडिया में सबसे फेमस यूफोरिया नाम के बैंड को माना जाता है। ये बैंड मुंबई से बिलोंग करती है और इनका यूनिक म्यूजिक सेंस काफी फैंस जमा कर चुका है। वहीं अमेरिका के कुछ फेमस और माने जाने वाले म्यूजिशियंस हैं लेडी गागा, बियॉन्स, कैटी पेरी, जस्टिन टिम्बरलेक। इनके अलावा हजारों सिंगर्स हैं जिन्हें लोग अपने टेस्ट के हिसाब से पसंद करते हैं। अमेरिका के कुछ टॉप बैंड्स हैं लिनिट स्काइनेट, एरोस्मिथ, बीटलेस, क्वींस एंड द बीच बॉयज। नंबर 4, अवार्ड्स वन बाय सिंगर्स। इंडिया में सबसे माना जाना वाला अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। यह अवार्ड बाला सुब्रमण्यम नाम के सिंगर ने एक बार नहीं
बल्कि 6 बार जीता है, वह भी 4 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने के लिए। क्या बात है यार। और शंकर महादेवन ने भी यह अवार्ड 3 बार जीते हैं। वहीं अमेरिका में ग्रैमी सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी सिंगर को दिया जाता है। सर जॉर्ज सोल्टी नाम के सिंगर ने सबसे ज्यादा 31 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 28 और बेयोंस ने 28 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। नंबर 5 मोस्ट लाइक्स ऑन रेफ म्यूजिक। इंडिया में बॉलीवुड है। वही अमेरिका में बड़े बड़े सिंगर्स अपने खुद के एल्बम्स रिलीज करते हैं जिनके रिकॉर्ड लोग खरीदते हैं। एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक 56.1% लोग पॉप म्यूजिक, 49.9% लोग कंट्री म्यूजिक और 37.4% लोग हिप हॉप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। नंबर 6 बेस्ट साइट्स टू लिसन टू म्यूजिक। इंडिया में जियो सावन ऐप पर आप फ्री म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर भी चल सकता है। वहीं अमेरिका में स्पॉटिफाई गाना सुना जा सकता है। इंडिया में भी है, लेकिन एड फ्री म्यूजिक सुनने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपका फेवरेट म्यूजिशियन और सिंगर कौन है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार बहुत ही अच्छे से इन्होंने कंपेयर किया और हर चीज में बताया। उनका ग्रैमी सबसे बड़ा अवार्ड है, इधर फिल्म फेयर अवार्ड है। ग्रैमी मतलब एक बंदा वो 31 बार जीता है, जो लगता है किसी को वो बार ही नहीं आने रेडी में लगा के ना उसको बेचेगा। मतलब यार ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब और किसी को ये बीच में लाइन में आने ही नहीं देता। मतलब यार बहुत ज्यादा जीता है वही तो। और उसका क्या कहते हैं अबे, और इंडिया में और भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जुबिन है काफी अच्छे। हाँ, जुबिन के सॉन्ग बड़े अच्छे हैं। अरिजीत सिंह है, अच्छा टोनी कक्कड़ को छोड़ दो, बाकी कोका कोला टोनी कक्कड़ का जो है वो एक ही होता है ना, मतलब एक ही लिरिक पे वो पूरा गाना बना देता है। ये बात सही उसका बस वो है। अच्छा और यार नेहा भी अच्छी गाती है, सुनिधि चौहान है और काफी सारे हैं यार, मतलब बहुत सारे हैं यार, आज से ज्यादा है। श्रिया घोषाल हाँ वो देख रहे। और एक और जो है सोनू यार, मतलब एक सोनू निगम यार, एक से एक कमाल का सिंगर है। और वैसे भी यार मैं कहता हूँ क्लासिकल के तो ऐसे ऐसे कमाल के सिंगर इंडिया में, और इसका नाम पाकिस्तान और इंडियन सिंगर्स में काफी गाना सेम गाते हैं। तो मतलब और अमेरिका के मोस्टली यार वो मतलब हिप हॉप उधर काफी ज्यादा चलता है, हमने जब से देखा है। और वो शेप ऑफ यू यार पर्सनली मुझे खुद बड़ा ज्यादा भी बहुत पसंद है, बड़ा सही बात है यार, बहुत। और अभी तो लॉन्ग इलायची से भी ज्यादा यार मतलब कुछ गाने व्यूज ले गए यार, मतलब साउथ के भी अभी बिलियन से ऊपर व्यूज ले रहे हैं। अभी बिलियन व्यूज बहुत नॉर्मल होते हैं इंडिया में, पहले 100 मिलियन बहुत मतलब मुश्किल से होता था, फिर 500 मिलियन और अब बिलियन भी इजिली हो जाता है। मतलब मेरे ख्याल से लोरी वो लगती लोर दिया, वो भी चलने लगा। और अभी वो जो सॉन्ग आया बारिश की जाए, मतलब मेरा यार हंसा है बारिश, वो भी इतना तेजी से आगे गया कि मतलब मैं बता नहीं बंदा सोच ही सकता है यार। तो मतलब यार इंडियन इंडस्ट्री और मतलब दोनों मैं कहता हूँ टक्कर की है, टॉप की है, वर्ल्ड के टॉप की दोनों इंडस्ट्रीज है। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार, बाय।